एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को ऋषि अग्रवाल, कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल ने चुनाव हराया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने फेल की सील लगाई है और ऋषि अग्रवाल के ऊपर पास की सील लगा दी है। ऋषि अग्रवाल जीत गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 93,708 वोट कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल को मिले हैं। वहीं बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया को 78,912 वोटों से संतोष करके हार का मुंह देखना पड़ा है। बेहद मजाकिया व्यक्ति हैं, मजाक मजाक में गंभीर बातें करने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया को उन्हीं की जनता ने नकार दिया है। सिंधिया कैंप के आदमी हैं, सिंधिया के बेहद करीबी हैं और सिंधिया के बिना उनका पत्ता भी नहीं हिलता है, उठते बैठते तक नहीं है। महेंद्र सिंह सिसोदिया के बारे में बीच में जब वे कांग्रेस में थे तब भी ये चर्चा थी कि उनकी बीजेपी के नेताओं से काफी पटती है, लेकिन फिर वो जब सिंधिया के साथ बीजेपी में आए तो बीजेपी के होने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं कहीं बीजेपी और इनके बीच में मत भिन्नता देखने को मिलती थी। लेकिन प्रचंड वेग से जब भाजपा की आंधी चल रही थी उस आंधी में महेंद्र सिंह सिसोदिया उड़ गए और कांग्रेस के ऋषि अग्रवाल चुनाव जीत गए। यह अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है। ऋषि अग्रवाल भी युवा नेता है कांग्रेस के और उनको देख किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महेंद्र सिंह जो अपने इलाके में संजू भैया के नाम से लोकप्रिय हैं उनको ऋषि अग्रवाल पूरी तरीके से पराजित कर देंगे। बिल्कुल, महेंद्र सिंह सिसोदिया की हार बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे पर पूरी तरह से रच बस नहीं पाए थे। ऐसे में जब जश्न मनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठेंगे तो वो इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हारे, क्या उसके पीछे की वजह रही। वहीं ऋषि अग्रवाल ने बड़ी जीत हासिल की है और एक युवा नेता है तो विधानसभा में जब वो बोलेंगे तो और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, मुखरता के साथ अपने विधानसभा के प्रदेश के मुद्दे उठा सकेंगे, क्योंकि एक बड़ी जीत वो लेकर के जा रहे हैं, बड़े नेता को मात दे करके वो विधानसभा में जा रहे हैं। अभी हम एक एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिख रही है कुछ नेताओं के प्रति, खास करके हम महेंद्र सिंह सिसोदिया के मामले में देख लें या हम अरविंद भदौरिया जी को देखें या हम पिता को देखें या और भी तमाम सारे नेता हैं, गोविंद राजपूत को देखें, तो कहीं कहीं जनता इन नेताओं के खिलाफ थी और उसने इनको सबक सिखाने के लिए वोट किया है। और कुछ जगह पे जहां सिंधिया के लोग थे वहां बीजेपी के लोग भी सिंधिया के साथ आए नेताओं से नाराज थे और ये भी एक बड़ी वजह है कि खासकर सिंधिया कैंप के कुछ मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। हार की वजह कुछ भी हो सकती है, हार के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हार हार होती है और एक छोटी सी हार आपको विधानसभा के दरवाजे से दूर कर देती है। कौन कौन विधानसभा के दरवाजे को पार करके विधानसभा के भीतर जाने को उत्सुक है और उसके बाद किसको मिलेगी मंत्री की कुर्सी, इस सब पर चर्चा जारी रहेंगी। आप देखते रहें दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।